आजकल काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता है जरूर कि सेविंग बैंक अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं या फिर कितना पैसा हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ताकि हमारे घर में भी नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से ना आए। सबसे पहले तो देख लीजिए कि अगर आपकी सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में ही वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। जितना ट्रांजेक्शन आपके एक फाइनेंशियल ईयर में होगा उसका नेक्स्ट ईयर में जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने अगर ज़्यादा पैसा वहाँ पर रखे हैं या फिर ज़्यादा पैसा ट्रांजेक्शन किए हैं तो आपके घर में नोटिस आ सकता है। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। एक फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बीच में वो जो पीरियड होता है वो है एक फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि चल रहा है 2023, तो ये एक्चुअली 2022/23 चल रहा है क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से लेकर लास्ट 31 मार्च 2023 तक एक फाइनेंशियल होगा। इसके बीच में जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1-2 महीने के अंदर ही आपको वहां पर रिजल्ट बता देगा कि आपका TDS कितना कटा है या फिर आपके घर में नोटिस आएगा या फिर नहीं। वो आप यहां पर जितना भी करेंगे यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अप्रैल जैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कितना दिक्कत होगा। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें से अगर आप ट्रांजेक्शन जो है कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए से ज़्यादा करते हैं तो आपके बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बता देगा। ऑलरेडी कंप्यूटराइज होता है, जैसे ही आपका 10 लाख रुपया कंप्लीट हो जाएगा विड्रॉल के मामले में या फिर डिपॉजिट के मामले में तो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इनकम टैक्स को चला जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल कर रहे हैं, पता नहीं काफ़ी सारे लोग फ़ोनपे गूगल पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करेंगे वही गिनती होगा, ऑनलाइन पे वो कोई भी रोक नहीं है, उसका भी है 40 लाख के अंदर, लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पर बता दें कि कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट अगर आप बैंक में जाके विड्रॉल का स्लिप भर के पैसा उठाएंगे या फिर कैश डिपॉजिट करेंगे स्लिप में या फिर ATM से पैसे निकालेंगे तो ये तीनों का काउंट होगा। अगर आप ऑनलाइन से करेंगे वो अलग बात है, वो काउंट नहीं होता है। तो आप अब यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा नहीं करना है या फिर मतलब कि विड्रॉल नहीं करना है या फिर डिपॉजिट नहीं करना है, आपको 10 लाख से नीचे ही करना है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको एक GST नंबर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लेंगे 40 लाख तक, किसी को फ़ोनपे में भेज देंगे, किसी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो सब कैश ट्रांजेक्शन नहीं गिना जाता है, ये सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन गिना जाएगा। तो ये सभी पैसा को अगर मिला लेंगे फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको एक GST नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर कह लीजिए अगर आप 10-20 लाख 30 लाख तक भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर GST नंबर के बिना आप 40 लाख के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फिर भी आपका जो है इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इसके लिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका पक्का बिल रखें ताकि जब भी इनकम टैक्स की नोटिस आए आप उसको सही से क्लारीफाई कर पाए, सही से बता पाए, ताकि वो अगर सेटिस्फाई होंगे ही तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो अगर समझ नहीं पाएंगे आप जो बताना चाहते थे या फिर उनको नहीं लगेगा कि आपने सही से ट्रांजेक्शन किया है तो आपके ऊपर वो कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ कड़ी वो फाइन भी लगाते हैं, बहुत हैवी पेनल्टी लगाते हैं वो लोग। इसीलिए अगर आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन करें, और हाँ अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है तो एक करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आपको करेंट अकाउंट का लिमिट जानना है कि करेंट अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं, कितना हमको ट्रांजेक्शन करना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आपका सबसे मेन सवाल यही होता है कि हम कितना पैसा अपने अकाउंट में रख सकते हैं। ट्रांजेक्शन का तो अलग बात हो गया, लेकिन अभी आपको अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो मेरे हिसाब से आप 5 लाख से ज़्यादा ना रखिए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में। या फिर अगर आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखना ही है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको करेंट अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, नहीं तो आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं जिसमें आपका अच्छी जो है रिटर्न भी मिलता है। आई होप कि आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कितना पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।